का पूरा मजा ही है मंजिल मिलने का, सफर में ज्यादा मजा है मंजिल मिलने का। आपका प्रश्न बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है, बट ओवरऑल हम बात करें तो सफर भी मजेदार है और मंजिल भी मजेदार है, मंजिल उससे भी ज्यादा मजेदार है, और मंजिल ये संकेत देती है कि एक नया सफर शुरू होता है, तो और ज़्यादा तैयारी करनी होती है नए सफर के लिए, और ओवरऑल ये सफर जिंदगी में चलता ही रहता है, कभी किस तरीके से कभी किस तरीके चलता ही रहना चलता ही रहना चाहिए। तो इसमें खुद को मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि 2-3 साल लग जाते हैं, तो कभी कभार काफ़ी बार कंडीशन या सिचुएशन ऐसी रहती है कि हम वापस यू टर्न लेके नहीं पहुँच जाते हैं जी, कभी डीमोरलाइज हो जाते हैं, तो फिर उसको फिर कैसे, आपने भी फील किया होगा कहीं ना कहीं? जी, मैंने भी कई बार फील किया है, सिर्फ ये रहता है अपने टीचर्स के संपर्क में रहें, आपके जो क्लासमेट्स हैं या आपके साथ वाले जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उनके संपर्क में रहें, कहीं ना कहीं होता है उनके साथ बने रहते हैं, इंस्टीट्यूट आते रहते हैं, तो वो मोटिवेशन मिलता रहता है दूसरों को देखकर, वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है, जब तक वो स्पिरिट ज़िंदा है तब तक आपकी तैयारी कहीं पर कमज़ोर नहीं।